नमस्ते फ्रेंड, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से इतना ढेरों सारा टेस्टी, यम्मी और क्रिस्पी करारा हेल्दी नाश्ता। दो तरह के डिजाइन में इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी करते हुए इस रेसिपी को बनाना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले, हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जो बगल में दिया रहता है उसे प्रेस कर दीजिए फ्रेंड, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आप तक आसानी से पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, ना देरी करते हुए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से चटपटा सा फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे पर कढ़ाई पे चढ़ा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम गैस को जला दिए, कढ़ाई पे चढ़ा लिए हैं और हम डालेंगे यहाँ पे एक चम्मच जितना देर खाने वाला। चलिए फ्रेंड, मेरा तेल गर्म हो गया तो यहीं पे हम डालेंगे साबुत जीरा और ये साबुत सौंफ है, और दोनों चीजों को थोड़ा हम चटकने देते हैं। और यहीं पे दो हरी मिर्च हम डाल रहे हैं। तो यहीं पे मेरा, देखिए यहाँ पे मेरा हरी मिर्च चटक गया है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, कुछ कुछ मसाले। तो हम गैस के आंच को धीम कर दिए हैं ताकि मेरा मसाला जले ना। तो ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्का हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, नहीं तो क्योंकि हरी मिर्च हम डाल दिए हैं ये हल्का एकदम थोड़ा सा डाल रहे हैं। और सभी चीज़ों को हम भून लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, हमारे मसाले भून गए हैं, देख सकते हैं। तो यहीं पे हम दो तीन उबाल के आलू ले लिए हैं उबले हुए, तो आलू को भी डालकर और हम बढ़िया से थोड़ा भून लेते हैं कुछ देर तक। ये देखिए, आज हम बहुत ही चटपटा सा नया नाश्ता लेकर आए हैं फ्रेंड। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी पता चलेगा कैसे हम नाश्ते को बना रहे हैं। तो आलू को डालकर हम भून लिए, तो यहीं पे हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक अपने फीलिंग में। तो ये हम नमक डाल दिए हैं फ्रेंड और थोड़ा सा हम इसे चला लेते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला ताकि मेरा फीलिंग का जो चटपटा सा टेस्ट बढ़ जाए। तो ये हम हल्का गरम मसाला डालेंगे और हल्का हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मसाला से और भी चटपटा सा हो जाता है फ्रेंड। तो ये हम हल्का ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए हम सारे चीज़ों को इस तरीके से भून लेते हैं और आलू को मैश कर लेते हैं भूनते हुए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा चटपटा सा फीलिंग बनकर तैयार है, देख सकते हैं। तो हम प्लेट में निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर लेते हैं और आगे का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक बर्तन ले लिए हैं और यहीं पे ले लिए हैं ये गेहूं का आटा। तो एक कप हम गेहूं का आटा ले रहे हैं और इसमें अब कुछ हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो ये देखिए, मंगरेला अजवाइन हम लोग बोलते हैं ये, थोड़ा हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक और डालेंगे दो चम्मच के लगभग हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ये देखिए, ये दो चम्मच के अंदाज हम डाल दिए फ्रेंड। और हम इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे, जिस तरह से चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसा आटा लगा। तो चलिए फ्रेंड, पहले तेल को और मंगरेला अजवाइन को हाथों से बढ़िया से मिला लेते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं ये। तो ये हम मिला लिए हैं फ्रेंड, अब धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका सख्त सा डो हम लगाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम आटा लगा लेते हैं, उसके आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड, हम आटा लगाकर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं कि कैसा हम आटा लगाकर तैयार किए हैं। देख सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा, मतलब कि रोटी जैसे चपाती बनाते हैं उस तरीके का है। तो चलिए इसको हम पेड़े बना लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं हम पाँच पेड़े बना लिए हैं और एक पेड़े को अपने हाथ में लेंगे और यहाँ पर सूखे आटे लगा कर और इसका पतला सा सीख तैयार करेंगे बेल कर। यहाँ पर देखिए, ये पतला सा सीट हम बेल कर तैयार कर रहे हैं। तो ये सूखे आटे में हम इसको बेलेंगे और हमें बेलना है फ्रेंड लंबा, थोड़ा हम लंबा भाग में बेलेंगे इस तरीके से। ये देखिए,
चलिए बेल कर आप लोगों को दिखाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड, हम बेल लिए हैं लंबा सा, जिस तरीके से हम समोसा बनाते हैं उसी तरीके से हम बेल लिए हैं। और इसको ये दो भाग में हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, और इसका जो किनारा है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसका किनारा कट कर लिए हैं और अब इसको हम खोलेंगे। तो ये देखिए हम खोल दिए हैं और इसका बीच का जो भी भाग जो है इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो देखिए एक सीट मेरा बनकर तैयार है फ्रेंड, और एक सीट ये, दो सीट हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए और भी हम इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक आप लोगों को नाश्ता बनाकर दिखा दे रहे हैं कि हम कैसा नाश्ता भरेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम ले लिए हैं एक सीट को और इसके बीच में अपने फिलिंग को रखेंगे। जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार किए थे ये फिलिंग को हम रख दिए हैं फ्रेंड, और इसके कोने पर थोड़ा सा हम इस तरीके से पानी लगा लेंगे, पानी सप्लाई कर देंगे। देखिए तो हम पानी लगा लिए हैं, और पानी लगाकर इसका ये कोना लेंगे, ये भाग लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसको इस तरीके से, और इसका ये भी लेंगे, और इसका ये भी लेंगे, और इसको हम ये जोड़ देंगे जो हम पानी लगाए थे। और इसे फ्रेंड इसे भी चिपका देंगे, पानी लगाए थे इसे भी, ताकि हमें फ्राई करते समय तलते समय मेरा नाश्ता जो है फूले ना। देखिए ओवरलॉक हम कर दिए फ्रेंड, और यहाँ पे एक नाश्ता मेरा बनकर तैयार है, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं, और एक हम दूसरा डिजाइन का बनाए हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये इस तरीके का। तो इस तरीके का बनाने के लिए यहाँ पे एक हम रोटी बेल कर तैयार किए हैं, और हम दिखा रहे हैं कि वो हम कैसे बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक हम बड़ा सा रोटी शीट बेल का तैयार कर लिए हैं, और इसका थिकनेस देख सकते हैं, पतला सा शीट तैयार किए हैं। और इसका हम कट लगाएंगे, इसे हम ये देखिए आधे आधे पे हम मोड़ कर इसे हम कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमें काटने में अच्छा हो। तो यहाँ से एक हम कट लगाएंगे फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से एक कट लगाएंगे। तो ये मेरा चार हो गया, और फिर इसके बीच से ये कट हम लगाएंगे, और फिर इसके बीच से भी ये कट लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया मेरा, तो आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक हम ले लिए हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके का काट के हम तैयार किए हैं, और ये फिलिंग को हम इस तरीके से बीच में हम रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर से एक हम इस तरीके से इस पे अटैच कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम ले लेंगे कांटा वाला चम्मच, और चम्मच की मदद से इस पे हम थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे, डिजाइन भी बन जाएगा, और इसका जो दोनों का जो मुंह है फ्रेंड वो भी चप जाएगा, मेरा खुलेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा सा मेरा डिजाइन बनकर तैयार है नाश्ते का। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं, अपने नाश्ते को फटाफट से फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम अब डालेंगे कढ़ाई में तेल। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे तेल डाल दिए हैं, और तेल को थोड़ा होने देते हैं हल्का गरम, ज़्यादा गरम नहीं, नहीं तो मेरा कुरकुरा सा नाश्ता नहीं बनेगा। हम धीमी ही गरम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अपने नाश्ते को एक एक करके डालते हैं यहाँ पे जो हम बना के रखे थे। देखिए तो तेल का टेम्परेचर मेरा इतना ही चाहिए फ्रेंड,
ताकि मेरा समोसा जैसा खस्ता बने नाश्ता। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं और धीमी आंच को हम धीमी कर देंगे। चलिए फ्रेंड, दोनों तरफ से हम उलट पलट कर क्रिस्पी होने तक पका लिए हैं। देख सकते हैं आप लोगों को, नजदीक कैमरा लाकर हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए धीमी आंच में हमें पकाते हुए 5 से 6 मिनट टाइम लग गया इस नाश्ते को। तो देखिए समोसे की तरह दिख रहा है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं और जो मेरा बाकी बचा है फ्रेंड, उसे भी हम तल कर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और उसके आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं, बातें करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा सारे नाश्ते बनकर तैयार है। देख सकते हैं दो तरह के नाश्ते हम दो डिजाइन में बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी है फ्रेंड। ये देखिए, इसका साउंड सुन सकते हैं। समोसा, अगर ये नाश्ता एक बार खाइएगा तो समोसा खाना भूल जाइएगा फ्रेंड। गेहूँ के आटे से ही इतना टेस्टी यम्मी नाश्ता बनकर तैयार बनाकर हम किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, और इन्जॉय कीजिए चटनी के साथ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को फ्रेंड, ताकि हमारी भी कुछ मदद हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई बढ़िया सी इसी तरह रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फुल वॉचिंग फ्रेंड।